हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम 5 to 6 ईयर गर्ल के लिए डिज़ाइनर पेपलम टॉप बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 मीटर रेयन फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, तो मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। इसकी लेंथ है 12 इंच। यहाँ पर हम शोल्डर मार्क करेंगे 5.5 इंच पे। और आर्म होल भी मार्क करेंगे 5.5 इंच पे। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह। यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, तो मैं ले रही हूँ 6 इंच। यहाँ पर हमें वेस्ट का 4th पार्ट लेना है, तो मैं ले रही हूँ 5 इंच 5 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच का। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह। ये बैक आर्म होल है और 1/2 इंच अंदर से हम फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई ले रही हूँ मैं 3 इंच। फ्रंट नेक डीप ले रही हूँ मैं 3.5 इंच पे और बैक नेक डीप ले रही हूँ मैं 2 इंच पे। अब हमें यहाँ पे इस तरह राउंड नेक ड्रॉ करना है। ये फ्रंट नेक है और ये हमारा बैक नेक है। अब ये मार्किंग हो गई है, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को मिला के फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो ये टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है हमारी। बैक पार्ट में हम सेंटर पे 2 इंच का मार्क करेंगे और इसे सेंटर में से कट करेंगे इस तरह। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हमें पहले 2 फोल्ड करना है। इसे इस तरह पहले हम 2 फोल्ड करेंगे। ये इस तरह फोल्ड किया है मैंने। यहाँ पे जॉइंट साइड है और इस तरफ ही ओपन साइड है। अब इसे हम एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह। तो ये अब हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड हो गया है। इस साइड ये जॉइंट साइड है और इस तरफ भी जॉइंट साइड है। अब हमें यहाँ से मार्किंग करनी है। यहाँ पर हमें वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। कमर 20 इंच है, तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका 4th भाग आएगा 5 इंच। तो यहाँ पे हमें 5 इंच पे इस तरह मेजर टेप को रखना है और दोनों साइड मार्क करना है। यहाँ पे हमें सिर्फ कमर का 4th भाग ही लेना है, एक्स्ट्रा मार्जिन या लूजिंग एड नहीं करनी है। अब इस मेजर टेप को हमें कॉर्नर पे रख के यहाँ पे मेजर करेंगे, तो ये 3.5 इंच पे आ रहा है ये निशान। अब 3.5 इंच पे हम इससे मार्क करेंगे मेजर टेप को घुमाते हुए। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे, तो इसकी लेंथ में ले रही हूँ 9 इंच। तो यहाँ पे मार्क करेंगे 9 इंच पे और इस तरह यहाँ पे मेजर टेप को घुमाते हुए 9 इंच पे मार्क करना है।
अब इन पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम यहाँ पे भी राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब हमें इसे यहाँ से और यहाँ से कट करना है। तो देखिए हमारे बॉटम पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसे टॉप पार्ट से मिला के देखेंगे। तो देखिए ये पूरा हमारी कमर तक आ रहा है फिक्स। ये बॉटम पार्ट हमारा पूरा सर्कल में कट हुआ है कि इस तरह ये पूरा राउंड सर्कल में कट हुआ है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम टॉप पार्ट रेडी करेंगे। तो फ्रंट और बैक पार्ट को मिला के पहले शोल्डर जॉइन करेंगे। तो ये मैंने शोल्डर जॉइन कर लिए हैं। अब हमने जो बैक साइड में जो कट लगाया था वहाँ पर हम एक पट्टी रखेंगे। और यहाँ पर हम इसे वी शेप में सिलाई लगाएंगे। यहाँ सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगाना है। और इस पट्टी को अंदर की तरफ टर्न करके इस पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए ये पट्टी लग गई है हमारी बैक साइड में। और अब हम ये राउंड नेक बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच चौड़ी क्रॉस पट्टी अटैच करेंगे। इस पट्टी को हम उल्टी साइड से लगाएंगे। इसे नेक के पास रखेंगे और आगे की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और पूरे राउंड में इस पट्टी को सिलाई लगा के अटैच करेंगे। अब हमें नेक के पास यहाँ छोटे छोटे कट लगाने हैं। इस तरह पूरे राउंड नेक में कट लगाएंगे। और अब हमें इस पट्टी को सीधी साइड पे टर्न करना है। इसे इस तरह सीधी साइड पे डबल फोल्ड करके पूरी पट्टी पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए हमारा राउंड नेक रेडी हो गया है। अब हमें इसी तरह आर्म होल भी रेडी करना है। उल्टी साइड पे क्रॉस पट्टी को लगाना है और इसे सीधी साइड डबल फोल्ड करके इस पट्टी पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने दोनों आर्म होल रेडी कर लिए हैं। और अब हमें साइड जॉइन करनी है। तो दोनों पार्ट्स को इस तरह मिला के दोनों साइड सिलाई लगा के हमें जॉइन कर लेना है।
तो मैंने दोनों साइड 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगा ली है और अब ये टॉप पार्ट रेडी है हमारा। अब हमें बॉटम पार्ट रेडी करना है, तो बॉटम पार्ट को पहले सिंगल फोल्ड करके प्रेस कर लेना है या सिलाई लगा लेनी है, तो मैंने इसे सिंगल फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और पूरे राउंड में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे पूरे राउंड में फोल्ड कर लिया है। अब हमें इस बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट से अटैच करना है, तो टॉप पार्ट को हमें सीधा ही रखना है और बॉटम पार्ट को इस तरह हमें वेस्ट लाइन से मिलाना है। इस तरह इसे मिला के हम पिन से सिक्योर कर लेंगे पहले। तो देखिए मैंने इसे पिन से सिक्योर कर लिया है और अब हमें पूरे वेस्ट राउंड में सिलाई लगा लेनी है। इसे हमें खींच के नहीं लगाना है, हल्के हल्के हाथ से पकड़ के लगाना है। तो देखिए ये बॉटम पार्ट अटैच हो गया है। और अब हम इसे सीधा करेंगे तो ये टॉप अब हमारा रेडी है। यहाँ साइड में हमें डोरी अटैच कर लेनी है। तो अब देखिए ये हमारा डिजाइनर पेपलम टॉप रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।